जुमरुद। हाँ हारून, कहाँ हो तुम? पोस्टर लगा रहा हूँ, क्या हुआ? ठीक है, अगर तुम कहो तो मदद के लिए मैं भी आ जाऊँ। आ जाओ, मैं लोकेशन सेंड करता हूँ, ठीक है? जुमरुद, जुमरुद, जुमरुद। इसे जानते हो? नहीं देखा। अच्छा सुनो, ये पकड़ना, इन सबको लगा देना अपने एरिया की तरफ। हारून, आ गई मैं। खुशामदी जुमरुद। बहुत शुक्रिया। अब बताओ क्या करना है हमें, और पोस्टर्स बांटना शुरू कर दिए तुमने? पोस्टर्स तो लगा चुका हूँ मैं। हाँ तो चलो चाय या कॉफी पी लेते हैं, और कुछ बातें भी कर लेंगे, क्या ख्याल है तुम्हारा? और बाद में कुछ खा भी लेंगे। नहीं हारून, पहले इन पोस्टर्स को बांट देते हैं, मुझे अली की बहुत फिक्र हो रही है। अभी तो हॉस्पिटल्स और पेट्रोल पंप्स भी बाकी हैं। चलो हारून, चलो। क्या सोच रहे हो? आ रहा हूं मैं। चीजें जलने से बच गई हैं बरान साहब, आप बताइए मुझे क्या करना है इसका? आ जाएं। बरान साहब, कहो। सिक्योरिटी वालों ने भेजा है ये। ये वो कपड़े हैं जो आपने दिलान साहिबा के लिए मंगवाए थे। इसे मेरे कमरे में रख दो। ठीक है बरान साहब। शुक्रिया बेटी, बहुत मेहनत की तुमने। जाओ और जाके थोड़ा आराम कर लो, हमने तैयारी तो कर ही ली है। ये बर्तन धो लूं फिर बैठती हूँ कदर साहिबा।
मेरे कमरे में जाओ और कपड़े चेंज कर लो। किस लिए? सवाल मत पूछो मुझसे, जो कहा है वो करो। पूछने का हक है। उन्हें मिलना है, उस लड़की से जिससे मेरी शादी हुई है। यही वजह है तुम्हारे डिनर पर होने की। मगर कोई और सवाल नहीं, कह दिया जो कहना था। जाओ, तैयार हो जाओ। घबराओ नहीं तुम, ये तो सिर्फ एक डिनर है। वो तो सही है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई। नहीं होगी, जैसी तुम हो वैसी ही रहना, कुछ भी नहीं होगा बेटी। डरती क्यों हो तुम? जाओ जाके तैयार हो जाओ, वरना बारान साहब गुस्सा करेंगे। बाकी के काम मैं देख लूंगी।